क्योंकि मनोबल थोड़ा आपका तभी जाएगा जब कहीं ना कहीं से रिपोर्ट निकल के आती हैं और वही रिपोर्ट आपके शेयरों में इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि वो जो रिपोर्ट आ रही है, न्यूज़ आ रही है, वो शेयर आपके पास है। आपके झोली से शेयर निकालने के लिए कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जाती है और उस रणनीति को अगर आपने समझ लिया तो आप सच में प्रॉफिट लोगे। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर ग्रुप या फ्यूचर रिटेल या FPL या इनके कोई भी शेयरों में से नहीं, बल्कि हर शेयरों में अगर आप अपने आप को धैर्यवान, संयमवान बना लेते हो, सिचुएशन को समझ लेते हो, तो ये गिरावट जो आती है सर, इसमें आपको अवसर तलाश करने चाहिए। इस चीज को, गिरावट को देखते हुए जो जीत जाता है वही इस मार्केट में आपको राजा बनता हुआ दिखेगा। देखो सर, आपने शेयर ले लिए, वो ग्रीनता की तरफ जा रहे हैं, ये तो फिर कोई हर कोई कर लेगा। शेयर खरीद लिए, ग्रीनता की तरफ जा रहे हैं, मजा आ रहा है। मजा तो तब आएगा जब आपने शेयर लिए और वो प्राइस आपके नीचे आ गई और आपकी हर जगह लॉस हो रहा हो और आपने वहां खुद को संभाल लिया हो। बात बिल्कुल सही बता रहा हूं, लॉस में अगर आपने, दुख में अगर आपने अपने खुद को संभाल लिया सर, तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे सर।